वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी लेसन स्कूल मोड। तो आज की वीडियो में हम अपनी पाइथन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और जो आज के टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लिस्ट। तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे लिस्ट इन पाइथन। तो पहले हम स्टार्टिंग में जाते हैं कि लिस्ट होती क्या है। तो लिस्ट अगर हम जनरल वे में देखें तो पाइथन में ये एज अ डेटा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कि म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल है, एंड ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। मतलब लिस्ट हमारा एक कलेक्शन है जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हम लोग फीड कर सकते हैं। अब इसे स्टोर कैसे करते हैं, इसे क्रिएट कैसे करते हैं पाइथन में? तो लेट अस सपोज मेरा एक लिस्ट है जिसका नाम मैंने दिया L1। अब मैं इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ फीड कैसे करूँगा? मैं वो करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के हेल्प से। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मेरे को यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ में कितनी मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे ये मैंने मल्टीपल वैल्यूज़ में डाल दी और यहाँ मैंने एंटर कर दिया, नो एरर, मतलब हमारी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब हम इसे प्रिंट कराएं तो ये हमारी लिस्ट जो हमने बनाई थी वो यहाँ पे बन गई है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारी यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि हम स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग से कैसे पर्टिकुलर एलिमेंट को या पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम लोग फेच कर सकते हैं। हमने ये सब इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पढ़ी थी स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स को फेच करने के लिए, बट हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करके लिस्ट के एलिमेंट्स को भी फेच कर सकते हैं। कैसे वो हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे को यहाँ पे लिस्ट का कोई भी एक एलिमेंट फेच करना है तो मैं यहाँ पे L1 लिस्ट का नाम दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी इंडेक्स पास करूंगा। जैसे लेट अस सपोज मेरे को पहली वैल्यू चाहिए तो मैंने यहाँ पे 0 इंडेक्स पास किया और एंटर किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 इंडेक्स की वैल्यू जो कि 23 थी, मैंने जब यहाँ पे उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू उस वैल्यू को फेच करना चाहा तो वो वैल्यू मेरे को मिल गई। हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसी उठा सकते हैं, जैसे आई एम सॉरी 3 और 5 और 6। 6 पे यहाँ पे हमें एरर आया क्योंकि ये हमारे लिस्ट के साइज से बड़ा हो गया था। तो हमें इंडेक्सिंग का ध्यान रखना है कि जितने हमारे एलिमेंट्स हैं उतनी ही इंडेक्सिंग के थ्रू उतनी ही इंडेक्सिंग हमें प्रोवाइड करनी है। अब नेक्स्ट हमने इंडेक्सिंग तो कर ली, इस पर स्लाइसिंग भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेट अस सपोज अगर मैं कोई भी यहाँ पे रेंडमली नंबर दे रहा हूँ, अगर मुझे फेच करने हैं 23 से लेके लास्ट तक के नंबर, जो मेरा थर्ड नंबर पे जो 23 है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो इस 23 से जो नंबर्स हैं मुझे यहाँ से लेके लास्ट तक नंबर्स चाहिए, तो मैं इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के थ्रू वो या फेच कर सकता हूँ। और वो कैसे है ये देखते हैं। मैं को यहाँ पे 2 इंडेक्स डालना है क्योंकि 0th इंडेक्स पे 23 है, फर्स्ट पे 34 है एंड सेकंड पे 23 है। तो मैं यहाँ पे 2 इंडेक्स दूंगा, लास्ट वाले को मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि अगर हम एंड एलिमेंट एंड इंडेक्स में अगर हम ब्लैंक दे देते हैं तो वो एंड तक लिस्ट को फेच कर लेता है। और मैंने यहाँ पे एंटर किया और मुझे ये यहाँ मिल गया। अब एक क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि क्या लिस्ट के अंदर खाली एक ही डेटा टाइप के हमारे एलिमेंट्स डल सकते हैं? मतलब अभी तक हम देखें कि हमने लिस्ट जो बनाई थी उसमें सारे न्यूमेरिकल नंबर्स थे, क्या ऐसा हो सकता है कि हम न्यूमेरिकल नंबर्स के अलावा हम स्ट्रिंग भी इसमें डाल दें? तो ट्राई करते हैं। हम एक L2 लिस्ट बनाते हैं जिसमें मैंने पहले दिए कुछ नंबर्स और फिर मैंने दी कुछ स्ट्रिंग्स लाइक दिस। तो अब हम देखते हैं कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, नो एरर, मतलब ये वर्क कर रहा है। अगर हम इस L2 को प्रिंट करें तो जैसा कि हमने लिस्ट में जो एलिमेंट्स फीड किए थे वो एलिमेंट्स हमें रिटर्न हो गए और उसी एलिमेंट्स की हमारी लिस्ट बन गई। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी लिस्ट है वो होमोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करती, बल्कि वो किसी भी टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकती है, वेदर इट्स इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट और एनी टाइप। और इसके बाद हमें देखते हैं कि लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट भी बना सकते हैं। सपोज हमने एक और यहाँ पे लिस्ट बनाई जिसमें मैंने यहाँ पे दिए फ्लोट नंबर्स। फ्लोट नंबर्स को बेसिकली हम डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे फ्लोट नंबर्स दे दिए
और ये मैंने मेरी तीसरी लिस्ट बना दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को L3 लिस्ट और L2 लिस्ट किसी एक और लिस्ट के अंदर चाहिए, तो मैं ऐसे कैसे बनाऊँगा? तो मैंने एक और लिस्ट बनाई यहाँ पे L4, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इन दोनों लिस्ट का नाम दे दिया, तो मैंने एंटर कर दिया। अब जो मेरी L4 है, अब जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये L4 के अंदर मैंने यहाँ पे दो लिस्ट प्रिंट कराई हैं और ये दोनों लिस्ट वही हैं जो हमने अभी ऊपर क्रिएट करी थी। तो इससे हमें पता चलता है कि लिस्ट के अंदर हम कितनी भी लिस्ट भी स्टोर करा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई लिस्ट की क्रिएशन वाली बात। अब लिस्ट के कुछ सर्टेन फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस मेथड्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सपोज और अगर आपको ये लिस्ट के फंक्शंस के बारे में देखना है तो आप लिस्ट का नाम लिखिए, डॉट लगाइए और कंट्रोल प्लस स्पेस दबाइए। इसके दबाते ही आपके सामने ये एक पॉपअप खुल जाएगा जिसमें आपको ये सारे जितने भी ये मेथड्स के नाम होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं अपेंड से। अपेंड से हम कोई भी एक एलिमेंट को लिस्ट के अंदर अपेंड कर सकते हैं। फॉर सपोज मैं यहाँ पे L1 यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैं L1 यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो L1 एक लिस्ट है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं हमें। अब सबसे पहला फंक्शन जो हम यूज़ करने वाले हैं इसका मेथड लिस्ट का, वो है अपेंड। अब अपेंड क्या करता है? अपेंड कोई भी एक एलिमेंट को लिस्ट के अंदर फीड कर देता है जब हमारी लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो गई हो और हम चाहते हैं कि हमें एक एलिमेंट और इसके अंदर एंटर करना है, तो हम अपेंड का यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एलिमेंट कोई भी पास करूँगा और ये मैंने सर्कल ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए और एंटर किया। और अब जब मैं L1 को प्रिंट कराऊंगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो एलिमेंट है वो लिस्ट में फीड या स्टोर हो चुका है। ओके, अब अपेंड के बाद एक और एक फंक्शन मेथड आता है लिस्ट का जो कि सिमिलर काम करवाता है, जिसका नाम है इंसर्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जब अपेंड हमारा काम कर रहा था तो हमने एक और मेथड क्यों बनाया इसका, या लिस्ट का ये जो मेथड है ये भी सेम काम करता है तो दो दो मेथड क्यों? तो अब इसमें डिफरेंस ये है कि जब हम अपेंड करते हैं तो अपेंड के अंदर हम जब भी कोई एलिमेंट दें तो वो हमेशा लिस्ट के लास्ट में स्टोर करता है, बट इंसर्ट के साथ हमारे साथ ऐसा नहीं है क्योंकि इंसर्ट में हम दो पैरामीटर देते हैं उसे, जिसमें से पहला वाला हम उसे पैरामीटर देंगे इंडेक्स नंबर। लेट अस सपोज मैंने इंडेक्स नंबर दिया 2 और फिर मैं उसके बाद यहाँ पे फीड करना चाह रहा हूँ 54 और मैंने यहाँ पे किया एंटर। अब जब मैं L1 को प्रिंट करूँगा तो आपने देखा कि यहाँ पे जो 2 वाला इंडेक्स है, मेरा 2th इंडेक्स है, उस पर मेरा 54 वाली वैल्यू स्टोर हो गई है। तो यही डिफरेंस है अपेंड और इंसर्ट में कि हम अपेंड जब भी कोई एलिमेंट देते हैं तो वो हमेशा हमारी लिस्ट के लास्ट में लगता है और इंसर्ट में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कौन से इंडेक्स पे, कौन से पर्टिकुलर इंडेक्स पे, वेदर हम चाहें तो फ्रंट में ऐड करना है, मिडिल में ऐड करना है या हमें लास्ट में ऐड करना है, हम उस एलिमेंट को उस जगह पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो और हमारे पास सर्टेन और भी फंक्शंस हैं। जो हमारे पास क्लियर फंक्शन है, ये जो सेकंड वाला, ये पूरी लिस्ट को अगर हम इसे अप्लाई करें तो ये पूरी लिस्ट को, जैसा कि ये बता रहा है क्लियर, ये पूरी तरह लिस्ट को एम्प्टी कर देता है। हमने यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया, हमने L1 को प्रिंट किया तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिस्ट हमारी पूरी खाली हो गई। ओके, चलो एक और एक जल्दी जल्दी कुछ बना लेते हैं। अब हम अपेंड डिस्कस कर लिया, हमने क्लियर कर लिया और बाकी के फंक्शंस आप चाहो तो हर एक फंक्शन के बारे में पढ़ के ट्राई कर सकते हो। हर एक फंक्शन के अलग पैरामीटर्स होते हैं, हर एक फंक्शनैलिटी होती है। अगर हम चाहें तो इसका एक फंक्शन होता है एक्सटेंड। ये फंक्शन क्या करता है? अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट करानी है किसी भी लिस्ट में, अगर सपोज़ हमारा L1 जो है अभी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और हम चाहते हैं कि हमें इसके बाद भी 3 या 4 वैल्यूज़ या इससे भी ज़्यादा हमें इंसर्ट करानी है इसके अंदर, तो हम एक्सटेंड का यूज़ करते हैं। अब एक्सटेंड के अंदर भी सर्कुलर ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं, बट इसके अंदर सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज़ होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम कितनी भी एलिमेंट्स दे सकते हैं लाइक दिस। जैसे मैं यहाँ पे ये 4 एलिमेंट यहाँ पे एंटर कर फीड कराना चाहता हूँ, मैंने उसे जो एक्सटेंड फंक्शन है इसके अंदर एक लिस्ट के फॉर्मेट में इसे दे दिए
और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब जब मैं L1 को प्रिंट कराऊंगा तो मैं देखूंगा कि मेरे जो मैंने एलिमेंट्स फीड होने के लिए दिए थे वो लिस्ट में फीड हो चुके हैं। ओके, अब हमारे पास एक फंक्शन, अगर हम चाहें कि लिस्ट में से अगर हमें एक कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है रिमूव। और यहाँ पे हमें खाली किसी भी एलिमेंट, जो एलिमेंट हमें डिलीट कराना हो हमें उस एलिमेंट को देना होता है। लेट सपोज कि मेरे को यहाँ पे 7 एलिमेंट जो है मेरा उसे डिलीट कराना है, तो मैंने यहाँ पे 7 वाली वैल्यू पास कर दी, मैंने एंटर किया। और अब जब मैं L1 को प्रिंट कराऊंगा तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें 7 वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर रिमूव में 7 दे रखा था। अब ये तो थी हमारी डायरेक्ट वैल्यू वाली बात, बट हम इंडेक्सिंग के थ्रू भी किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अगर हमें इंडेक्सिंग के थ्रू किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना है तो हम यूज़ करेंगे पॉप फंक्शन। अब इस पॉप फंक्शन में हम किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स पास कर दें। अगर लेट सपोज हमने 2th इंडेक्स पास किया तो इसके हिसाब से हमारी जो 5 वैल्यू है ये रिमूव होनी चाहिए। हमने एंटर किया और ये शो भी कर रहा है कि L1 जो हमारी वैल्यू पॉप हुई है, मतलब जो हमारी रिमूव हुई है वो है 5। और L1 को हमने प्रिंट किया तो आप देखेंगे कि हमारी लिस्ट में से हमारी 5 वैल्यू रिमूव हो चुकी है। हम जो ये जो पॉप फंक्शन है इसमें किसी भी इंडेक्स दिए बिना भी हम इसे चला सकते हैं। और ये जब हम इसे एंटर करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो लिस्ट की जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टैक वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। स्टैक अगर आपने पहले पढ़ रखा हो तो आपको पता होगा पुश एंड पॉप के कॉन्सेप्ट। तो पॉप बेसिकली क्या करता है, अगर हम उसे कोई भी इंडेक्स नहीं देते तो लिस्ट में हमारा जो सबसे एंड इंडेक्स वाली जो वैल्यू होती है ये उसको रिमूव कर देता है। जैसे ये दिखा रहा है 23 यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब अगर हम L1 को प्रिंट कराएं तो हम देखेंगे कि हमारी जो 23 वैल्यू जो कि लास्ट वैल्यू थी वो यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। ओके, अब हमें हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि हमें मल्टीपल वैल्यूज अगर डिलीट करानी है तो हम डेल कीवर्ड का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिस्ट का नाम देंगे और यहाँ पे हम उसकी इंडेक्सिंग कर देंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ नहीं चाहिए। अब मुझे यहाँ पे चाहिए 3 से अबव की वैल्यूज़ मेरे को नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे एंटर किया एंड देन L1 किया तो आप देखेंगे कि 3rd इंडेक्स से लेके जो भी मेरी एंड तक की जो भी वैल्यूज़ थी वो सारी यहाँ पे डिलीट हो चुकी हैं। ओके, अब हमारे पास एक और एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है लिस्ट का, जिसे हम कहते हैं सॉर्ट। तो सॉर्ट, जैसा आप नाम से समझ गए होंगे कि सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट अरेंज कर देता है जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तो वैसे बेसिकली अभी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो अगर हम सॉर्ट करेंगे और L1 को प्रिंट करेंगे तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। अच्छा, व्हाट इफ कि अगर हम चाहें कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लिस्ट चाहिए, तो उस केस में हम L1 सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे, बट ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर हम जो रिवर्स है उसको हम कर देंगे ट्रू। और यहाँ पे हम एंटर का मारेंगे और जब हम L1 को प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी लिस्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे शो हो रही है, हमें प्रिंट हो रही है। अब पाइथन के अंदर सर्टेन बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो लिस्ट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बिल्ट इन फंक्शंस कैसे होते हैं, ये बिल्ट इन फंक्शन ऐसे होते हैं जैसे हमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है इस लिस्ट का, तो हम सीधे यूज़ करेंगे मैक्स ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर L1 लिस्ट का नाम। और हमने देखा कि हमारा जो L1 के जो लिस्ट के एलिमेंट्स थे उस पर जब हमने मैक्स फंक्शन लगाया तो हम देखेंगे कि सबसे जो बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमने रिटर्न हो गई। ऐसे ही हम मिनिमम फंक्शन भी लगा सकते हैं अगर हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना हो तो, और इसने मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ऑफ कोर्स 642 में से सबसे मिनिमम हमारे पास 2 है। ऐसे ही पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं लिस्ट के जो हम अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास लिस्ट का कॉन्सेप्ट पाइथन में, कि लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, लिस्ट के अंदर कैसे एलिमेंट स्टोर किए जाते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी बनाई जा सकती है, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, लिस्ट के सर्टेन मेथड्स होते हैं और पाइथन के सर्टेन इनबिल्ट मेथड्स होते हैं जो लिस्ट पे अप्लाई हो सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको पाइथन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है आपका वो काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो।